नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आपने सुना होगा कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने साल 2010 में बोन मैरो डोनेट कर एक छोटी बच्ची की जान बचाई थी। इस खबर के सामने आने के बाद आपके जहन में जरूर ये सवाल आए होंगे कि बोन मैरो क्या है, इसको डोनेट कैसे किया जाता है और इसके जरिए कैसे किसी पीड़ित व्यक्ति को नई जिंदगी दी जा सकती है। ऐसे तमाम सवालों के सटीक जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। देश में बोन मैरो डोनेशन को लेकर जागरूकता बेहद ही कम है, इसलिए लोग बोन मैरो डोनेशन या फिर ऐसे तमाम मामलों से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हम आपको बोन मैरो से जुड़ी हर एक बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बोन मैरो होता क्या है। तो आपको बता दें कि बोन मैरो हड्डियों के अंदर का एक मुलायम स्पंजी जैसा पदार्थ होता है जो शरीर के लिए बेहद ही जरूरी होता है। बोन मैरो इतना जरूरी होता है कि अगर किसी इंसान का बोन मैरो खराब हो जाता है तो वो इंसान जिंदा ही नहीं रह पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बोन मैरो काम क्या करता है, तो आपको बता दें कि बोन मैरो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। वही आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो डब्ल्यूबीसी शरीर में प्लेटलेट्स बनाने के लिए काफी जरूरी है। अगर आपके शरीर में बोन मैरो की कमी हो जाती है तो इससे आपको कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है। लेकिन बोन मैरो की कमी का आपको पता कैसे चलेगा, या फिर आपकी त्वचा पीली पड़ रही है तो हो सकता है कि आपको बोन मैरो की कमी हो। साथ ही सांस लेने में तकलीफ, बार बार बीमार पड़ना, छोटी मोटी चोट से ज्यादा खून बहना और बुखार होना, ये भी कुछ लक्षण हैं जो बोन मैरो की कमी के दौरान आपको नजर आते हैं। और इनको नजरअंदाज करना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बोन मैरो की कमी होती कैसे है, तो आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। ल्यूकेमिया यानी कि बोन मैरो का कैंसर इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इसमें बोन मैरो खत्म होने लगता है। वही अगर कोई व्यक्ति एप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहा हो तो उसको भी बोन मैरो की कमी हो सकती है। बता दे, इसमें इम्यून सिस्टम बोन मैरो को नष्ट कर देता है। वही वाइटमिन और मिनरल की कमी भी बोन मैरो को प्रभावित कर सकती है। और तो और कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी आपके बोन मैरो को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज दवाइयों से भी हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने तक की नौबत आ जाती है, जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति से बोन मैरो लेकर दूसरे व्यक्ति में डालते हैं। ये प्रोसीजर भी ब्लड डोनेशन या और तरह के ट्रांसप्लांट जैसा ही होता है, लेकिन लोगों में कम जागरूकता के कारण इस ट्रांसप्लांट से ज़्यादा लोग अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, जिस वजह से बोन मैरो के कमी के कारण कई लोगों की जान चली गई। अगर वक्त रहते पीड़ित व्यक्ति को बोन मैरो मिल जाए तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।